टेल मे इन द कॉमन सेक्शन इफ इफ आई एम लाइंग है ना हम देख लेते हैं इवन मैंने भी ऐसे किया था कि भाई कोई तो कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा डिटेल दे और हमें मतलब सोल सेटिस्फाई कर जाए कि मेरा एग्जाम क्लियर भी होगा या नहीं एक मन में हमेशा कन्फ्यूजन रहती है है ना सो आई हैव डिसाइडेड कि भाई वो सारे पैरामीटर्स में आपको खोल के दूंगे विदेंटिक सोर्स जिसपे आपका कट ऑफ फ्लक्चुएट कर सकता है और तभी जाके हम एक डिटेल्ड सी डी एस टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जान सकते हैं ठीक है एज आई सेट दिस इज एक्सपेक्टेड एंड नॉट ऑफिशियल बट येस हमें आगे का मार्गदर्शन इस वीडियो से मिल सकता है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं इस तरीके का हमारा कुछ सी डी एस का पेपर होता है ठीक है थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ बहुत सारे फ्रेशर्स ने अपना मार्क्स भी ठीक से कैलकुलेट नहीं करा होगा सो so, आप वीडियो को चाहो तो थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हो बट स्किप मत करना क्योंकि इम्पॉर्टेंट ऑथेंटिक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट योर जो आपके कट ऑफ को यू नो अपडाउन कर सकती है और इस बार क्या हार्ड पेपर था कट ऑफ डिप हो सकता है बिकॉज ऑफ जी के एंड मैथ्स वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी ठीक है तो आपके वन ट्वेंटी क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश पे 9 से 11 बजे तक आपने इंग्लिश दिया होगा जो कि 100 मार्क्स का आता है दैट मीन्स अगर आप एक सवाल सही करते हो तो पॉइंट एट थ्री मार्क्स मिलते हैं एक सवाल गलत करते हो तो पॉइंट टू सेवन मार्क्स आपके माइनस हो जाते हैं ठीक है एंड सेम गोस विद जी के एज वेल जो आपने बारह से दो बजे तक दिया होगा एंड देन आपने मैथ्स दिया होगा तीन बजे से पाँच बजे तक और इसमें आपका एक सवाल सही होगा तो प्लस वन आपको करना रहेगा और एक सवाल गलत होगा तो आपको पॉइंट थ्री थ्री माइनस करने होंगे बेसिकली क्या होता है कि आ, uh, वन बाई थ्री नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये जान लो कि किस ट्रेनिंग अकेडमी जो शॉर्ट सर्विस के लिए ज्वाइन ज्वाइन करती है, करती हैं हैं इंडियन आर्मी बेसिकली उनका बस दो ही पेपर होता है इंग्लिश और जीके तो इनका जो कट ऑफ निकलेगा वो आउट ऑफ टू हंड्रेड निकलता है ठीक है और वहीं पे ओटीए के अलावा सारी अकेडमीज के लिए मैथ भी होता है एयरफोर्स अकेडमी इंडियन मिलिट्री अकेडमी इंडियन नेवल अकेडमी के लिए आपका मैच भी इंक्लूडेड होता है तो आपका जो कट ऑफ आएगा वो आउट ऑफ 300 आएगा प्रेशर लोग इस बात को मिस मत कर देना ठीक है और अब जानते हैं कि कौन-कौन से पैरामीटर्स हमें यूजफुल रहेंगे फॉर प्रेडिक्टिंग एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर सीडीएस 2 2023 एग्जाम सबसे पहले आरटीआई फाइल करी थी हमने राइट टू इंफॉर्मेशन कितने बच्चे अपियर करते हैं व्हाट इज द कंपटीशन लेवल हम बस पता है प्रज्यूम कर लेते हैं सालों से कि भाई इतने लोग अप्योर करते हैं हम अप्योर करना नहीं जान रहे होते हम अप्लाई करना जान रहे होते हैं ठीक है तो ह्योर इज दी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आप देख सकते हो सी डी एस टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू में अप्लाई तो इतने लोग लाख लोगों ने किया था दो लाख पच्चीस हजार के अराउंड बट अपियर किसने किया था एक लाख सोलह हजार यू सी डी कॉम्पिटिशन कितना ड्रॉप हुआ है इतने लोगों ने एग्जाम अप्लाई करने के बाद अप्योर तक नहीं किया आप एग्जाम दे चुके हो कंग्रेचुलेशन आप बहुत लोगों से आगे हो एंड सेम गोज विन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री दो लाख तीस हजार बच्चों ने अप्लाई किया था और दो लाख पच्चीस हजार लोगों ने अपियोर किया था ओब्वियसली सी डी एस टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के uh, अप्योरिंग हमें पता नहीं लग सकते हैं। अभी खत्म हुआ है ठीक है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा चेकआउट कर सकते हो इससे हमें पता ये चल रहा है कि लगभग एक से डेढ़ लाख लोग अप्योर कर रहे हैं अब इसका कुछ रेशियो और भी बड़ा होगा एक लाख पैंतीस हजार वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड तक ये पहुंचा होगा ये रेशियो अगर ऐसे हम देखते जाए तो भाई धीरे धीरे आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं बट एज कंपेयर टू डिफरेंट एग्जाम्स इट इज लेस अगर आप दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम्स को देखो तो यहां पे आपका बहुत स्कोप है है ना पर्टिकुलरली रिटर्न के लिए बात कर रही हूं तो आपको इसकी वजह से आपका कट ऑफ पुश होना चाहिए वन ऑफ द रीजन चलो ठीक है नेक्स्ट रीजन आपका ये है ये मैंने नोटिफिकेशन से लिया है वेकेंसीज कितनी वेकेंसी है दिस इज फॉर सी डी एस वन ट्वेंटी ट्वेंटी टू सॉरी सी डी एस टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू के लिए आपका uh, कितनी वैकेंसीज अवेलेबल थी यहाँ पे आप देख सकते हो 339 वैकेंसीज वर देयर और वहीं पे सी डी एस टू अच्छा मैं इन दोनों सेकेंड टर्म के एग्जाम को क्यों कंपेयर कर रही हूँ क्योंकि ऑफिशियली इसका डेटा अवेलेबल है किसका ये कौन सा एग्जाम है सी डी एस टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू की डिटेल्स है और ये सी डी एस 2 2023 की डिटेल्स हैं ठीक है आई एम कंपेयरिंग दीस बोथ एग्जाम्स क्योंकि इस वाले एग्जाम का ऑफिशियल कट ऑफ डिक्लेअर हो चुका है सीडीएस 1 2023 एग्जाम का ऑफिशियल कट ऑफ डिक्लेअर नहीं हुआ है तो हम बस अज्यूम करते रह जाएंगे चीजों को इसलिए इन दोनों एग्जाम को हम कंपेयर कर रहे हैं तब हमें बेटर आइडिया मिलेगा सी आपके पिछले साल 339 वैकेंसीज हैं और इस साल 349 वैकेंसीज टोटल 10 वैकेंसीज अप हुई हैं लेकिन वहीं पे अगर आप देखो ओटीए में विमेन के लिए वैकेंसी नहीं बढ़ी ओटीए मेन के लिए भी वैकेंसी नहीं बढ़ी एयर फोर्स एकेडमी की भी 32 के 32 ही सीट्स हैं फर्क पड़ा है इंडियन नेवल एकेडमी में इसमें 10 सीट्स बढ़ी हैं 22 सीट्स पहले आईएनए में थी अब 32 थी इस साल के लिए और आईएनए में सौ ही सीटें हैं तो सिर्फ आईएनए का यू you नो know, थोड़ा सा लिबरल कर सकते हैं बाकी नंबर ऑफ सीट्स आर सेम तो भाई लोग ज्यादा अप्योर कर रहे हैं सीट उतनी की उतनी है दिस इज ऑल्सो द फैक्टर फॉर कट ऑफ ओके नेक्स्ट आपका मैं कह रही थी सीरियस टू ट्वेंटी, ट्वेंटी ट्वेंटी टू का ऑफिशियल वाला हम इसमें एक्सपेक्टेड नहीं कह रहे हैं ऑफिशियल वाला कट ऑफ रिलीज हो चुका है कितना हुआ था कितनी वैकेंसी पे कितना हुआ था आप देख सकते हो ओ टी ए में नाइन्टी एट कट ऑफ था ए एफ ए इज़ वन थर्टी सिक्स आई एन ए इज़ वन हंड्रेड एटीन आई एम ए इज़ वन ट्वेंटी सिक्स ठीक है अब मैं थोड़ा सा आपको प्री डेटा दे देती हूँ मैंने सी डी एस वन ट्वेंटी ट्वेंटी टू के कट ऑफ देखे थे और सी डी एस वन ट्वेंटी ट्वेंटी टू के कट ऑफ हाई थे ट्वेंटी ट्वेंटी ये सेकेंड शिफ्ट सेकेंड यू नो सेकेंड हाफ वाला जो एग्जाम है सीडीएस ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू इसमें कट ऑफ लो किया है डिप कर गया है तो भाई इसलिए अब हमें एनालाइज करना होगा कि पेपर का लेवल क्या था एक और चीज आपको ये देखनी होगी कि ये पेपर यू you नो know, आपका डिप कर गया था लेकिन कंपटीशन लेवल भी आपका इंक्रीज हो रहा है मतलब धीरे धीरे देर आर मोर सोर्सेज अवेलेबल फॉर प्रेपरेशन देर आर you यू नो know, मोड एंड कन्वीनियंसिस ज्यादा हो रहे हैं जैसे मैंने खुद ने यूट्यूब पे और सीरीज की बुकलेट्स ली थी वहां से ये सारे क्वेश्चन डिरेक्टली आए हुए हैं है ना तो जितने भी लोगों ने मेरी यूट्यूब पे खासकर लास्ट थ्री क्लासेस देखी हैं उनके लिए चीजें बहुत आसान हो चुकी होंगी यहाँ पे मैंने सारे स्क्रीन लगाए हैं ये भी एक रीज़न है कट ऑफ का पुल होने का है ना वो उन्होंने बस तीन क्लास देखी और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन उनके मैच हो गए थे कौन से तीन क्लासेस की बात कर रही हूँ मैं मैं बात कर रही हूँ पूरा का पूरा साइंस वाली वीडियो जो हमने लाइव ली थी और पूरे करंट अफेयर्स उसकी भी लाइव ली थी और लास्ट 120 ट्वेंटी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उससे तो बहुत सारे क्वेश्चन मैच हुए थे दिस इज ऑल्सो अ रीजन फॉर इंक्रीज कट ऑफ ये सारे पैरामीटर्स ध्यान रहते हैं अब नेक्स्ट पैरामीटर क्या होगा कि इस साल का पेपर आया कैसा था उस पर बहुत सारी चीजें मैटर कर जाएंगी देखते हैं इंग्लिश का ब्रेकडाउन ये आपको हेल्प करेगा पेपर को बेटर तरीके से समझने में बेटर तरीके से एनालाइज करने में कि क्वेश्चन कौन से कहां से आए हैं और कितने क्वेश्चन आए हैं ठीक है इंग्लिश इंग्लिश की अगर हम बात करें तो पेपर वॉज इजी मतलब इजी टू मॉडरेट ज़्यादातर पेपर आता है बट इट इज मोर इनक्लाइन टुवर्ड्स इजी और सेक्शन तो इंग्लिश में अगर आपने सेवेंटी प्लस भी अगर करे होंगे तो आपके लिए एक अच्छा स्कोर कहलाएगा बट आई एम नॉट टारगेटिंग दिस वन कि आपने इसमें सेवेंटी किया होगा तो ही आएगा नो no, क्योंकि हर बच्चे की अपनी खुद की स्ट्रेटी होती है मे बी वो जीके और मैथ्स में ज्यादा करता है और इंग्लिश में कम करता है तो भी वो एग्जाम को क्लियर कर सकता है बट वॉट आई वॉन्ट टू से इज सेम्प्रीहेंशन कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसिस ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसिस ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस वर्ड एंड टोनेम्स फिलिंग द ब्लैं स्पॉटिंग एरोम फ्रेजेस पार्ट ऑफ स्पीच ये सबके दस दस क्वेश्चन आए हैं टोटल हंड्रेड मार्क्स और इसका बता इसका बता ठीक है next आते हैं जीके का पेपर ब्रेकडाउन ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि एक ट्रेंड शिफ्ट दिखा है यहाँ पे है ना एक ट्रेंड शिफ्ट दिखा है आपके पॉलिटी के क्वेश्चन हमेशा एवरेज अगर चार पांच साल के पेपर देखो आप तो हमेशा ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू आ रहे थे लेकिन सी डी एस वन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में एंड देन अगेन सी डी एस टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में आपके पॉलिटी के क्वेश्चन कम हो चुके हैं दस क्वेश्चन ही पूछे हैं और जोग्रफी के जिसके जिसका एवरेज था फिफ्टीन टू सेवेंटीन क्वेश्चन उसमें से ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन पूछे हुए हैं हिस्ट्री से ट्वेंटी वन क्वेश्चन पूछे हुए हैं इकोनॉमी तो हालांकि दो तीन पेपर से ज्यादा ही आ रहा है क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो दिस वाज़ ओके बट यस, एक अगर मैं बात बोलूं, ट्रेंड शिफ्ट हुआ है लेकिन मोर इंक्लाइड टू डिफिकल्ट पार्ट ऐसे आप कह सकते हो अगर वो स्केल है कोई यहां पे ईजी यहां पे डिफिकल्ट तो इस तरीके से आप बोल सकते हो ये ग्राफ रहा है का रीजन बीइंग पॉलिटी का कम होना जोग्रफी और हिस्ट्री का बढ़ना एंड दैट टू हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स आप डिफिकल्ट डिकलेयर कर सकते हो इससे क्वेश्चन डिफिकल्ट आए थे बट यस करंट अफेयर्स और इसमें जितने भी डिफेंस करंट अफेयर्स वगैरह जो भी थे वो डायरेक्टली आए थे जो मैंने पढ़ाया था है ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बहुत सुपर इजी कह सकती हूँ मे बी इट इज इजी क्योंकि मैंने जो लास्ट क्लास कराई थी उसी से बहुत सारे क्वेश्चन मैच हो गए थे मे बी इट इज़ इजी और तो जो बच्चों ने वो वीडियो देखी होगी उनके लिए बहुत ईजी होगा बट वैसे भी अगर देखे तो इट वॉज ईजी टू मॉडरेट ठीक है बट ट्रेंड शिफ्ट होने की वजह से मे बी जी के वॉज आप कह सकते हो थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना बिकॉज ऑफ ट्रेंड शिफ्ट वी वर नॉट रेडी फॉर दैट है ना Weaver, मतलब मैं जनरल सबको जनरलाइज कर रही हूँ यहाँ पे कि नॉर्मल ट्रेंड से इनका नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है एंड टॉकिंग अबाउट मैथ्स मैथ्स वाज हार्ड मैथ्स एक्चुअली हार्ड था इजी पोर्शन इसमें बहुत कम है मैथ्स वाले बच्चे प्लीज अपना पेपर ब्रेकअप यहाँ पे देख लो इसमें भी ना ट्रेंड शिफ्ट आप नोटिस कर सकते हो इसमें भी आप ट्रेंड शिफ्ट नोटिस कर सकते हो पेपर एज पर ट्रेंड थोड़ा सा कम था है ना ये सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन है तो अगर आप नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बी रेडी इस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं इसमें अगर आपने यू नो थर्टी फाइव टू फोर्टी प्लस किए हो तो भी इट इज़ गुड स्कोर बिकॉज मैथ्स वॉज एक्चुअली डिफिकल्ट ठीक है तो इस हिसाब से अब हम अपना कट ऑफ बनाते हैं आई यू रेडी देखते हैं भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारा क्या निकल सकता है हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा दिस ए एफ ए वन ट्वेंटी एट इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है यूपीएससी है भाई किसी के घर की नहीं चलती यहाँ पे आई एम ए में यू कैन एक्सपेक्ट वन ट्वेंटी ये थोड़ा सा डिप करा है यस yes, आपका कट ऑफ थोड़ा सा डिप करेगा बिकॉज ऑफ ट्रेंड शिफ्ट और जी के और मैथ्स का तो कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट पेपर की वजह से इंग्लिश वॉर्स नो डाउट इजर ज्यादा इंक्लाइन था वो ईजीओर की तरफ बट येस yes, दो पेपर आपके डिफिकल्ट थे तो आई एन ए में यू कैन एक्सपेक्ट 112 के अराउंड और ओ में 96 के अराउंड ठीक है टेल मी आप कौन सी मतलब अगर आपने कौन सी कौन सी अकेडमीज को प्रायोरिटाइज किया है उस हिसाब से आपका कौन सी अकेडमी में नंबर बैठ रहा है टू लेट मी नो ठीक है तो भाई अब है ना हमें क्या सीख मिली है हमें सीख ये मिली है कि जिन भी बच्चों ने पहले से पढ़ना स्टार्ट किया है ना वो लेस स्ट्रेस्ड होते हैं मोर ऑर्गेनाइज होते हैं मोर ऑर्गेनाइज उनको पहले से प्रिपरेशन हो चुकी होती है ना तो उनको समझ आता है उनको क्लियरली दिखता है कि रिविजन इज रिक्वायर्ड अभी का जीके का पेपर जैसा आया है मैथ्स का पेपर जैसा आया है सबसे ज्यादा किसी चीज़ की जरूरत थी तो वो था रिविजन रिविजन प्रॉपर होता ना तो कोई दिक्कत नहीं आनी थी स्पेशली मैं आपका जीके संभालती हूँ तो जीके में तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी थी वॉट वॉज रिक्वायर्ड इज डेली कंसिस्टेंट प्रैक्टिस ठीक है डेली कंसिस्टेंट प्रैक्टिस रिक्वायर्ड थी है ना तो भाई मैंने सोचा कि डेली प्रैक्टिस खुद से है ना करना इज डिफिकल्ट क्योंकि दुनिया का में भी सबसे डिफिकल्ट काम है सेल्फ डिसिप्लिन होना है ना टेल मी इफ यू अग्री विद मी और नॉट है ना दुनिया का मे भी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम है सेल्फ डिसिप्लेंड होना लेकिन इफ़ वी आर एबल टू समन तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं है ना इसीलिए मैंने सोचा कि भाई मैं डेली क्विज लाती हूँ ठीक है डेली क्विज लाती हूँ फर्स्ट अक्टूबर से ट्वेंटी वन अप्रैल तक रोज रोज रोज़ रोज, रोज इसमें क्विज आएगा जिसमें आ, मैं आपको पूरा ना फॉर्मेट दे दूंगी कि आपको रोज क्या पढ़ के आना है उसके क्वेश्चन आएंगे प्लस उस दिन के करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन होंगे ठीक है तो ये मैंने एक डेली क्विज का ग्रुप बनाया है इसमें सिर्फ और सिर्फ क्विज होगा जो आपके यूपीएससी के सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा सी डी और अगर एन भी कोई दे रहा है तो आप उसे भी रेकमेंड कर सकते हो कि भाई तू क्या कर दिन में तू कुछ क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही सकता है ना क्विज तो ले ही सकता है ना उससे पढ़ाई भी हो जाएगी और यू कैन आल्सो प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस ही आपको एग्जाम के लिए ज्यादा श्योर बनाएगी ये जो गेम चल रहा है ना टोटल एग्जाम का उसमें आपको एक्सेल कराएगी ठीक है तो ये क्विज का ग्रुप जो है वो आज रात को 12 बजे के बाद एक्टिवेट हो जाएगा ऑन डिफेंस मेनिया ऐप ठीक है ऑन डिफेंस मेनिया ऐप आप इसे देख सकते हो अभी आपको नहीं दिखेगा रात को 12 बजे के बाद इट विल गेट एक्टिवेटेड सो दिस इज माई प्लान रोज के रोज आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो आप लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे हो कि नेक्स्ट बैचेस कब आएंगे फॉर सीरियस वन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर आई अनाउंस अबाउट दैट थिंग वेरी वेरी सून बट एक चीज ध्यान रखो वन अक्टूबर से शुरू हो जाएगा ठीक है वन अक्टूबर से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी तो एक्टिव रहना थोड़े दिन का ब्रेक ले सकते हो आप मैं बहुत जल्दी आपका वो भी अनाउंस करूंगी बट येस दिस क्विज वन इज इंपॉर्टेंट सो भाई दिस इज इट दिस वॉज योर एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेट सी एग्जाम होने दो आने दो रिजल्ट आने दो लेट्स की क्या होता है ठीक है विल होप फॉर द बेस्ट एंड विल प्रैक्टिस रेग्युलरली दिस इज इट फ्रॉम माई साइड और कोई मेरे लिए सजेशन हो या कोई भी आप दे सकते हो मुझे एडवाइस दे सकते हो किसी भी बारे में आई एम ओपन टू एवरीथिंग एंड थैंक यू सो मच इतने सारे क्वेश्चन हमने साथ में मिलकर सॉल्व करे इतनी सारी क्लासेस की एवरी थिंग वॉज बोर्थड आफ्टर द एग्जाम आई वॉज सुपर हैप्पी आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो गुड बाय एंड जय हिंद